हेलो एवरीवन वेरी वॉम वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल तो आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को कवर करेंगे कि भाई कितने मेथड्स हैं जिससे आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हो और ये हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन आया हुआ है और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल होगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें चलिए फिर आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो सबसे पहले हमें कुछ गिवन है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कैन प्रोवाइड यू विद अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एज एन इन्वेस्टर कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग जो है आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है तो इफ़ यू आर कंसिडरिंग गेटिंग इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग देर आर मैनी डिफरेंट ऑप्शन फॉर यू अगर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं तो आप उनमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो अपने लिए चूज़ कर सकते हैं तो हेयर आर सम मोस्ट पॉपुलर मैथड्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग अब सबसे जो मोस्ट पॉपुलर इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग मैथड्स हैं वो हम स्टडी करते हैं तो नंबर वन हमारा जो मैथड आता है वो आता है म्यूचुअल फंड्स, जिसको हम ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स भी बोल सकते हैं बेसिकली तो नंबर वन मेथड है ग्लोबल म्यूचुअल फंड्स, ठीक है तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे टू गेट इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग इज़ थ्रू द यूज़ ऑफ अ म्यूचुअल फंड कि अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो ये सबसे मोस्ट पॉपुलर वे है तो दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी एक्सेस थ्रू एनी स्टैंडर्ड ब्रोकरेज अकाउंट तो आपका अगर कोई भी एक यू नो ब्रोकरेज अकाउंट बना हुआ है ऑलरेडी तो आप जो है एक्सेस कर सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो सिंपली तो यू विल बी एबल टू परचेज शेयर्स इन अ वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तो आप जो है शेयर्स uh, परचेज कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो uh, में से आप शेयर्स अपना परचेज कर सकते हो ठीक है जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो हम जानते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या है एक यू नो पूल ऑफ फंड है ना एक पूल ऑफ फंड है जिसमें सारे जो स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं वो पैसा लगाते हैं और एक फ़ंड का पूल जो है वो कलेक्ट होता है उसके बाद उन उस पैसे को अलग अलग सेक्टर्स में लगाया जाता है अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा यानी कि AMC के द्वारा असेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा तो ये एक तरीके का क्या है आप इसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड के द्वारा भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड टू कंसीडर इज़ द ग्लोबल फंड तो जैसे कि हम अपने ने आपको स्टार्टिंग में ही बताया ग्लोबल की बात हो रही है इंटरनेशनली जो म्यूचुअल फंड चलते हैं रन होते हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका कह क्या कहलाएगा वो इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कहलाएगा तो दिस टाइप ऑफ फंड लुक्स एट द एंटायर ग्लोब ये जो टाइप ऑफ फंड होते हैं ना ये पूरे ग्लोब की तरफ देखते हैं यू नो पूरे यू नो कोई भी किसी भी कंट्री का पर्सन जो है इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो देर आर नो रिस्ट्रिक्शन देर आर नो रिस्ट्रिक्शन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि भाई एज टू विच कंट्री और रीजन इट कैन इन्वेस्ट इन तो कोई यू you नो know, को आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं आप इन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आप आपकी वो इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कहलाएगी तो दिस टाइप ऑफ फ़ंड इज़ ग्रेट फॉर डाइवर्सीफिकेशन तो डायवर्सिफ़िकेशन के लिए ग्रेट है डायवर्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है जब हम अपना पैसा जो हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक जगह ना लगाकर अलग अलग जगह पे हम लगाएं तो वो होता है डायवर्सिफिकेशन तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं यू आर लुकिंग फॉर अ डायवर्सिफ़िकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो देन यू कैन इन्वेस्ट इन दिस टाइप ऑफ फंड्स एंड इट हेल्प्स लोवर योर ओवरऑल रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली जब आप डाइवर्सिफिकेशन चूज़ करते हो तो आपका रिस्क जो है वो कम तो होता ही है मिनिमाइज तो होता ही है तो अनदर पॉपुलर टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड इज़ द इंटरनेशनल फ़ंड तो अदर दूसरे टाइप का जो म्यूचुअल फ़ंड होता है वो क्या होता है इंटरनेशनल फंड होता है और दिस टाइप ऑफ फंड माइट जीरो इन ऑन अ पर्टिकुलर रीजन एरिया ऑफ द ग्लोब तो इट माइट इन्वेस्ट इन ओनली अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज कहने का ये मतलब है कि uh, कुछ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के लिए ही ये ओपन होता है तो ये भी जो है ये सभी के लिए यानी कि कुछ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज के लिए ही ये म्यूचुअल फंड अवेलेबल होता है तो वो कर सकते हैं ठीक है यू माइट ऑल्सो चूज टू इन्वेस्ट इन अ कंट्री फंड अब आप ये भी चूज कर सकते हो कि हाँ भाई आपको स्पेशली इसी कंट्री में इसी कंट्री के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है फॉर एग्जाम्पल आप यूएस के कंट्री एक आपने ली यूएस में आप आ, इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो भी स्पेसिफिकली भी एक कंट्री को चूज कर सकते हो इन्वेस्ट करने के लिए तो ये दिस इज़ अ म्यूचुअल फंड दैट सिलेक्ट वन इंडिविजुअल फॉरिन कंट्री मतलब आप उस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जो एक इंडिविजुअल फॉरेन कंट्री का है ठीक है और आप उसमें इन्वेस्ट कर दोगे दे विल एनालाइज ऑल ऑफ द डिफरेंट कंपनीज वो जो म्यूचुअल फंड होता है वो उस उस कंट्री की जो भी कंपनीज हैं है ना भाई उस कंट्री की जो भी आपने सिलेक्ट करी उस कंट्री की जितनी भी कंपनीज हैं, उनको एनालाइज़ करेंगे और फिर एक पोर्टफोलियो तैयार करेंगे और फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे ये तो था हमारा पहला मेथड जिसमें आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ठीक है था हमारा ग्लोबल म्यूचुअल फंड नंबर वन ठीक है तो याद रखेंगे पहला मेथड दूसरा आता है ईटीएफ ईटीएफ का क्या मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड देखो यहां पे लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिखा है यहाँ पे तो अब ये दूसरा मैथड है अनदर ऑप्शन दैट यू हैव फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट इज द ई कि अब म्यूचुअल फंड के बाद आपके पास दूसरा ऑप्शन है ई का एक्सचेंज ट्रेडिड फंड क्या बोलते हैं इसको एक्सचेंज ट्रेडिड फंड बोलते हैं ई टी एफ इज सिमिलर टू अ म्यूचुअल फ़ंड जो ई टी एफ है ना वो म्यूचुअल फंड के सिमिलर ही है मतलब उसके जैसा ही है बट हैज़ अ फ्यू डिफरेंट फीचर लेकिन थोड़ा बहुत तो अलग है कुछ उसके फीचर्स उसके अलग हैं ऑब्वियसली नाम अलग है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ही तो इसीलिए कुछ इसके डिफरेंट फीचर्स भी हैं तो द बिगेस्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच का क्या है कि दैट एन ई टी एफ कैन बी ट्रेडेड ऑन दी स्टॉक एक्सचेंज कि ई टी एफ जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज में ही ट्रेड किया जा सकता है तो इसका क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ दैट यू विल बी एबल टू बाय और सेल शेयर्स ऑफ नियरली एनी ई टी एफ एज लॉन्ग एज द एक्सचेंज इज ओपन मतलब आप शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग तभी कर सकते हो जब वो एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन होगा ठीक है तभी तक ही आप ई टी एफ की बाइंग एंड सेलिंग कर पाओगे क्यों क्योंकि यह स्टॉक एक्सचेंज पर ही ट्रेड होता है उसके बाद विद अ म्यूचुअल फंड यू विल पुट इन एंड ऑर्डर फॉर अ शेयर म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो आप शेयर्स के लिए ऑर्डर देते हो एंड इट विल बी प्रोसेस एट द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे और ये ऑर्डर आपका कब प्रोसेस होता है जब उस डे का ट्रेडिंग डे एंड होता है तब मतलब ट्रेडिंग उस, उस दिन का जब ट्रेडिंग टाइम एंड होता है तब आपका ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है एंड वट एवर द नेट एसेट वैल्यू यानी कि एन ए वी क्या बोलते हैं हम इसको एन ए वी नेट एसेट वैल्यू जो भी उसकी फंड की होती है तब जो है आपका ऑर्डर प्रोसेस किया जाता है और आपको Uh, फिर विद एन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यू कैन गेट अप टू मिनट प्राइस कोट्स एंड बाय और सेल शेयर्स इमीडिएटली कहने का ये मतलब है कि आप जो है यहाँ पे शेयर्स को बाइंग एंड सेल जो है इमीजिएटली कर पाओगे म्यूचुअल फंड में ये आपको फैसिलिटी होती है तो ये दोनों के बीच का एक मेन डिफरेंस था ई और म्यूचुअल फंड का कि आप ई पे बाइंग एंड सेलिंग तभी कर सकते हो जब आपका स्टॉक एंड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ओपन जितना रहेगा ज, जब तक लेकिन म्यूचुअल फंड में आप कभी भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो ठीक है और आपका ऑर्डर कब प्रोसेस होता है जब ट्रेडिंग डे एंड होता है जब ठीक है उसके बाद फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ बिग न्यूज़ अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द डे अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है उस दिन यू कैन सेल योर शेयर इमीजिएटली म्यूचुअल फंड में आप जो है अपने शेयर्स इमिजिएटली जो है सेल uh, कर सकते हो अब हम बात करेंगे ए डी आरस की यानी कि अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट की तो ये थर्ड मैथड है जिससे आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो ए डी आर क्या कहलाता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट तो ये अनदर ऑप्शन है आपके पास कि अगर आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप ए डी आर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ए डी आर के थ्रू तो द टर्म ए डी आर स्टैंड फॉर अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट तो विद दिस टूल एन अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन परचेज अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इन अ फॉरेन कंपनी इसका क्या मतलब है कि ए के थ्रू यानी कि अमेरिकन डिपोजिटरी के थ्रू जो अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना वो परचेज करेगा कुछ नंबर ऑफ शेयर्स किसके फॉरेन कंपनी के तो द इंस्टीट्यूशन होल्ड ऑन टू द शेयर एंड देन क्रिएट शेयर ऑफ स्टॉक फिर इंस्टीट्यूशन जो है वो क्या करेगा उन शेयर को होल्ड करके रखेगा और एक तरीके का शेयर्स ऑफ स्टॉक क्रिएट करेगा यानी कहने का है मतलब है वो शेयर का स्टॉक क्रिएट करेगा है ना परचेज कर लिया होल्ड कर लिया अब उसके पास स्टॉक हो गया ना शेयर्स का तो वो होल्ड करके रखेगा इस स्टॉक को दैट कैन बी ट्रेडेड अब उसको वो ट्रेड कर सकता है कहां पर अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस पर ठीक है तो ये तीसरा मेथड है तो द शेयर रिप्रेजेंट अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर इन द फॉरेन कॉरपोरेशन वो जो शेयर है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि हाँ भाई इस कंपनी के इस फॉरेन कंपनी के जो है ये शेयर्स हैं दिस कैन बी एन एक्सीलेंट वे फॉर डोमेस्टिक इन्वेस्टर टू गेट इन्वॉल्व इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो इससे क्या होगा अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के द्वारा जो है एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी कि उस कंट्री का जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर पाएगा किसके थ्रू अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के थ्रू क्यों क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन ने क्या किया फॉरेन कंपनी के शेयर्स पहले परचेज करे फिर होल्ड करे फिर उसका स्टॉक तैयार किया फिर ट्रेड किया उसको अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में तो इससे क्या हुआ बेसिकली डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने इनडायरेक्टली कहाँ इन्वेस्ट करा फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी यानी कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट करी तो इट एलिमिनेट यहाँ पे लिखा है कि इट एलिमिनेट अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट इन्वेस्टर हैव विद परचेजिंग स्टॉक अब देखो इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी आ, कि भाई हम किस तरीके से फॉरेन कंपनी के स्टॉक को बाय करें तो ये प्रॉब्लम एलिमिनेट कर देता है कौन अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्यों क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का काम है इंस्टीट्यूशन ने आपसे रिसिप्ट डिपॉजिट से इकट्ठा किया और फॉरेन कंपनी के शेयर उस डिपॉजिट से खरीदे इससे इन्वेस्टर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई राइट तो ये एलिमिनेट कर देता है और और इन्वेस्टर को इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का मौका भी मिल जाता है उसके बाद हम आगे बात करेंगे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट की कि भाई ये क्या होता है तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अनदर टाइप ऑफ डिपॉजिटरी रिसिप्ट ये दूसरे टाइप की डिपॉजिटरी रिसिप्ट होती है तो ये डिपॉजिटरी बैंक एक जो डिपॉजिटरी बैंक है वो इशू करता है शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट देखो जी को ध्यान से समझना है हमें जी को ध्यान से समझना है क्या लिखा हुआ है जी के बारे में कि एक ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो है ना एक अनदर टाइप की ही डिपॉजिटरी रिसिप्ट है अभी हमने क्या पढ़ा था अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट तो ये भी एक टाइप की डिपॉजिटरी रिसिप्ट है तो अब क्या होता है कि जो डिपोजिटरी बैंक होता है डिपोजिटरी बैंक का मतलब जो डिपोजिट एक्सेप्ट करता है ऑब्वियसली हम बैंक जाते हैं अपने डिपॉजिट जमा कराते हैं ना तो अब एक जो डिपॉजिटरी बैंक है ना वो क्या करता है इशू शेयर्स ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंटरनेशनल मार्केट वो फॉरेन कंपनीज के शेयर्स इशू करता है इंटरनेशनल मार्केट में टिपिकली इन यूरोप एंड मेक बेसिकली यहां पे यूरोप की बात की गई है यूरोप में एंड मेक दैम अवेलेबल टू इन्वेस्टर विद इन द आउटसाइड द यू एस कहने का ये मतलब है कि देखो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट किसके लिए था अमेरिका के लोगों के लिए था है ना जो ग्लोबल डिपोज़िटरी रिसिप्ट है वो यू एस से आउटसाइड की जो कंट्रीज हैं उनके लिए है है ना तो अब उनके लिए है ये उन कंट्री के लोगों के लिए है यू एस ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट कि भाई जो यू एस के आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है तो मैनी जी डी आरस आर डिनोमिनेटेड इन यू एस हम जानते हैं कि यू एस uh, में जो है काफ़ी सारी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट को डि, डिनोमिनेट किया गया है और डॉलर्स में एंड दो सम आर डिनोमिनेटेड इन यूरोज हम जानते हैं जी डी आरस कुछ जी डी आरस को यू एस डॉलर में इन्होंने करा है डिनोमिनेट और कुछ जी डी आर को किस में करा है यूरोज में ठीक है और ब्रिटिश पाउंड में ठीक है तो दे आर टिपिकली ट्रेडेड डोमेस्टिक से तो इनका जो है है वो में होता है, सेटल हो जाता जी डी आर कैन बी फाउंड ऑन लंडन स्टॉक एक्सचेंज लगजमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज एज वेल एज ऑन एक्सचेंजेस इन सिंगापुर फ्रैंकफर्ट दुबई तो ये जो जी डी आर है आपको कहां पे देखने को मिलेंगे लंडन स्टॉक एक्सचेंज लक्जमबर्ग में के स्टॉक एक्सचेंज में सिंगापुर के स्टॉक एक्सचेंज में फ्रैंकफर्ट और दुबई तो जी डी आर आर टिपिकली प्लेस्ड विद इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन प्राइवेट ऑफरिंग बिफोर पब्लिक ट्रेडिंग तो बेसिकली यहाँ पे बोला गया है कि जी डी आर जो है यानी कि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं वो प्राइवेट ऑफरिंग भी करते हैं पब्लिक ट्रेडिंग से पहले ठीक है तो ये भी याद इसमें लाइन थी तो ये था हमारा जी अभी हमने कितने मेथड पढ़े सबसे पहले हमने म्यूचुअल फंड कवर किया उसके बाद हमने अमेरिकन डिपोजिट ही रिसिप्ट किया नहीं उसके बाद हमने ई किया उसके बाद हमने अमेरिकन डिपॉजिट ही रिसिप्ट किया देन हमने जी डी आर किया अब हम आज आ गए हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पे तो बेसिकली ये हमारा फिफ्थ मैथड है जिससे आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे तो अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है तो देयर आर टू वेज फॉर इन्वेस्टर टू बाय फॉरेन स्टॉक्स डायरेक्टली कि इन्वेस्टर्स के पास दो तरीके हैं कि वो फॉरेन स्टॉक्स को डायरेक्टली बाय कर सकेंगे क्या हैं वो दो वेज़ तो यू कैन ओपन अ ग्लोबल अकाउंट विद अ ब्रोकर इन योर होम कंट्री कि आपकी खुद की होम कंट्री में आप ब्रोकर से कहकर अपना जो है ग्लोबल अकाउंट ओपन करा सकते हो सच एज फिटिलिटी ई ट्रेड चार्ल्स स्वैब एंड इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ब्रोकरस तो ये ब्रोकरस के बारे में दिया गया है डिटेल इनसे आप कनेक्ट करके अपना एक ग्लोबल अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं ये हमारा पहला वे हो गया फॉरेन स्टॉक में द, इन्वेस्ट करने का डायरेक्टली दूसरा क्या है ऑप्शन आपके पास दूसरा ऑप्शन है ओपन एन अकाउंट विद अ लोकल ब्रोकर लोकल ब्रोकर के साथ आप एक अकाउंट ओपन कर लो इन दी टारगेट कंट्री मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो आपने सोचा है कि हाँ मुझे इस फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप उस फॉरेन कंट्री के लोकल ब्रोकर से कांटेक्ट करके एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल द मोनेक्स बूम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बेस्ड इन होंगकोंग होंगकोंग में है ये क्या मोनेक्स बूम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है एक जो कि होंगकॉन्ग में है होंगकोंग में है और ये जो है इन्वेस्टर को एक्सेस देता है कि वो होंगकॉन्ग की स्टॉक्स में जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं साथ ही साथ इलेवन अदर मार्केट्स में भी वो इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ये मोनेक्स बूम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जो कि होंगकोंग स्टेक्स स्टॉक्स में एक्सेस करवा देता है और साथ में ग्यारह और अदर मार्केट्स में भी इन्वेस्टर को एक्सेस मिल जाती है इन्वेस्ट करने की तो अब आगे क्या बोला गया है कि गोइंग डायरेक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर कैजुअल इन्वेस्टर ऑब्वियसली कि कोई इन्वेस्टर यू नो कैजुअल इन्वेस्टर है उसके लिए ये सूटेबल नहीं है डायरेक्टली जाना तो देयर आर एडिशनल कॉस्ट ऑब्वियसली एडिशनल कॉस्ट भी लगेगी टैक्स इंप्लीकेशन भी होगा टेक्निकल सपोर्ट नीड्स रिसर्च नीड आपको सब कुछ चाहिए करेंसी कन्वर्जन अदर फैक्टर्स तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि ओनली एक्टिव एंड सीरियस इन्वेस्टर शुड पार्टिसिपेट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कहने का ये मतलब इन्वेस्टर है, है काफी एक्टिव इन्वेस्टर है केवल वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उसी को ही पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि आपको इन सभी कोस्ट का भी ध्यान रखना पड़ेगा ना अगर आप एक कैजुअल इन्वेस्टर हो आपको इतनी यू you नो know, आप ज्यादा सीरियस नहीं हो ज्यादा एक्टिव नहीं हो तो आपके लिए सुटेबल नहीं है बट इफ यू आर एन एक्टिव और सीरियस इन्वेस्टर देन यू कैन पार्टिसिपेट इन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्ट योर फंड इन दैट पर्टिकुलर शेयर्स उसके बाद इन्वेस्टर नीड्स ऑल्सो बी टू बी वेरी ऑफ फ्रोड्यूलेंट ब्रोकर ऑब्वियसली आप अगर एक आप इन्वेस्टर हो तो आपको फ्रॉड्यूलेंट ब्रोकरस भी मिलेंगे जो कि मार्केट uh, में रजिस्टर्ड ही नहीं है, है ना तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तो ये भी इसमें एक तरीके का डिसएडवांटेज पॉइंट था ना अब हमारा लास्ट मेथड आता है मल्टीनेशनल नेशनल तो ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा एक इन्वेस्टर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो नंबर इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है वो स्टडी करनी पड़ेगी तो यहाँ पे हमें गिवन है कि इन्वेस्टर नॉट कंफर्टेबल विद बाइंग फॉरेन स्टॉक्स ठीक है जी कि इन्वेस्टर जो है ना वो फॉरेन स्टॉक्स डायरेक्टली बाय करने में कंफर्टेबल नहीं है ठीक है मतलब उसको यू you नो know, नहीं कर पा रहा वो बाय डायरेक्टली फॉरेन स्टॉक वो कंफर्टेबल नहीं है एंड इवन दोज हु आर वेरी ऑफ ए डी आर और म्यूचुअल फंड कैन सी मतलब उनको ए डी आर और म्यूचुअल फंड का भी यू you नो know, समझ में नहीं आ रहा है तो वो जो है कैन सीक आउट डोमेस्टिक कंपनीज़ दैट डिराइव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम ओवरसीज तो वो जो है डोमेस्टिक कंपनीज से उन डोमेस्टिक कंपनीज से जो है आ, सीक यानी कि सीक कर सकते हैं जो कि क्या डिराइव करती है ओवरसीज यानी कि बाहर से सेल्स का एक पोर्शन डिराइव करती हैं उन कंपनीज से कनेक्ट कर सकते हैं वो जैसे कि हमारे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो बेस्ट सूटेड है इस पर्पस के लिए दिस कुड मीन बाइंग द कोका कोला कंपनी और मैकडोनल्ड ऑफ विच जनरेट द मेजॉरिटी ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ग्लोबल ऑपरेशन कहने का ये मतलब है कि जो कोका कोला कंपनी है और जो मैकडोनल्ड है ये दोनों ही कंपनी जो है ग्लोबली काफ़ी सारा रिवेन्यू इकट्ठा करती हैं तो दिस इज़ द बैकडोर अप्रोच एंड डज नॉट प्रोवाइड ट्रू इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन तो ये एक तरीके की यू नो बैकडोर अप्रोच बोला गया है इसको और ये ना तो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड कराती है तो इट डज़ गिव इन्वेस्टर इंटरनेशनल एक्सपोज़र ये बस एक तरीके का क्या है इंटरनेशनल एक्सपोजर है तो ये थे हमारे मेथड्स आज के मेथड्स ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई होप आपको बिल्कुल क्लियर होंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंटरनेशनल फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा वहाँ से जाके आप इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की सभी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें